अभी तक जहां अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी की पहली प्री वेडिंग सेरेमनी का हैंगओवर लोगों के सर से उतरा नहीं है, अब मुकेश और नीता अंबानी बेटे अनंत अंबानी को और राधिका मर्चेंट की सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी से दुनिया को एक बार फिर से हिलाने के लिए तैयार है। जी हाँ, अंबानी परिवार 29 मई से शुरू होने वाले इस ग्रैंड इवेंट के लिए इटली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जोरों शोरों से सेलिब्रेशन और मेहमानों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। 4 दिनों के इस ग्रैंड इवेंट का शेड्यूल भी सामने आ चुका है। अनंत और राधिका की शादी जुलाई में होनी है। इससे पहले दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी 28 मई से 30 मई तक होने वाली है। ये सेरेमनी खास अंदाज में इटली और फ्रांस के बीच समंदर में क्रूज पर सफर करते हुए होगी। जैसा कि आप सभी को याद होगा, कपल की पहली प्री वेडिंग सेरेमनी 1 मार्च से 3 मार्च के बीच हुई थी। जगह थी जामनगर में रिलायंस कंपनी का एनिमल रेस्क्यू सेंटर वंतारा। बताया जाता है कि इस इवेंट पर तकरीबन 1250 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बात सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी की करें तो ये सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी जिस क्रूज पर होगी उसका नाम सेलिब्रिटी एसेंट है। ये माल्टा में बना है। ग्रैंड सेलिब्रेशन वाला ये क्रूज 29 मई को इटली के पालेर्मो पोर्ट से रवाना होगा और 4380 किलोमीटर का सफर तय कर सदर्न फ्रांस पहुंचेगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी एसेंट के इंटीरियर्स की कुछ तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा ईशा अंबानी की फैमिली मेंबर अहिल्या मेहता की स्पेन की कुछ तस्वीरें सामने आई। रिपोर्ट्स की माने तो सभी गेस्ट क्रूज ट्रिप शुरू होने से एक दिन पहले स्पेन पहुंचकर एंजॉय कर रहे हैं। वहीं एक और रिपोर्ट की माने तो इस सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी में ग्लोबल पॉप सिंगर शकीरा परफॉर्म करने वाली हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि वो इस प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए लेने वाली हैं। इससे पहले जामनगर में हुए पहले प्री वेडिंग सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने परफॉर्म किया था। इस इवेंट में शामिल होने के लिए इंडिया से बॉलीवुड के कई सेलेब्स इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे एक्टर्स के नाम शामिल हैं। सेरेमनी में इटली और फ्रांस के बीच समंदर में क्रूज पर सफर करते हुए जश्न मनाया जाएगा। ये क्रूज 5-स्टार फैसिलिटी वाला एक सेलिंग रिजॉर्ट है जिसे 1 दिसंबर 2023 को माल्टा में लॉन्च किया गया था। इस खास क्रूज की बात करें तो इस क्रूज की पैसेंजर कैपेसिटी 3279 है, लेकिन प्री वेडिंग सेरेमनी में 800 गेस्ट होने वाले हैं। इनमें 300 तो वीवीआईपी होंगे। इन मेहमानों की खातिरदारी के लिए 600 हॉस्पिटैलिटी स्टाफ होंगे। मेहमानों की देखरेख का सारा जिम्मा यूरोपियन टूर ऑपरेटर कंपनी एलोस्टी ब्रदर्स को दिया गया है। बात इवेंट की करें तो इस इवेंट में पहले दिन वेलकम लंच और स्टारी नाइट इवेंट होने वाला है। दूसरे दिन सभी मेहमान रोम सिटी का टूर करेंगे, साथ ही क्रूज पर डिनर और टोगा पार्टी होगी। तीसरे दिन सभी कांस पहुंचेंगे और यहां भी क्रूज पर पार्टी होगी। चौथे दिन यानी कि आखिरी दिन सभी मेहमान इटली के पोर्टोफिनो का टूर करेंगे। सूत्रों की माने तो अंबानी परिवार पहले मियामी से क्रूज मंगवाने वाला था, लेकिन फ्रांस में उस क्रूज को पार करने में दिक्कत आने वाली थी, इसलिए अब मियामी की जगह माल्टा से सेलिब्रिटी एसेंट क्रूज मंगवाया गया है। तो जाहिर तौर पर अंबानी परिवार के छोटे बेटे का ये सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी फंक्शन भी काफी खास होने वाला है। अगर आपने भी सेलिब्रेशन की सामने आई तस्वीरें देखी हैं तो आपको ये कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स।